हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हमारे पास है हिमालयन 400 जो कि मेन है 411cc की। तो आज हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे और एक अच्छे राइडर है हमारे पास जिन्होंने इससे काफ़ी लंबी लंबी राइड और ट्रिप्स की हैं, तो मैं उनसे डिस्क्रिप्शन में पूरी पूरी बातें भी करूँगा। बाकी गाड़ी पर भाई ने बहुत काम कराया है और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लाइट्स मॉडिफाई करा रखी हैं, जो ऑटो लॉक की लाइट्स लगी हैं और भाई ने बहुत काम करा रखा है। अंडरगार्ड जो कंपनी के सामान ज़्यादा यूज़ किया है और इंजन प्रोटेक्टर लगवाया है आफ्टर मार्केट, सैडल स्टे लगवा रखे हैं आफ्टर मार्केट और भाई ने बैग भी लगा रखा है। रैक बैग जो है JB रेसिंग का है भाई, तो इसकी भी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास कॉस्ट आती है। बाकी आफ्टर मार्केट टायर भी है मे बी साइड, वो मैं भाई से बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भाई से बुलाता हूँ, भाई से बात करता हूँ कि कितनी राइड कर ली और कितने लंबे लंबे ट्रिप किए हैं। तो भाई राधे भाई आइए चैनल पर, ये हमारे राधे भाई हैं, तो बात करेंगे कि कैसे प्लान की हिमालयन। यार देखा जाए तो गाड़ी टूरिंग के लिए बेस्ट गाड़ी है और मैंने इसको कंटिन्यू 2600 किलोमीटर चलाया था। गाइस 2600 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। कंटिन्यू यूज़ किया था और नॉन स्टॉप मैंने इसको चलाया था 18 घंटे कंटिन्यू। बेस्ट गाड़ी है, बस सिटी के लिए थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। 18 घंटे चलाई थी तो 18 घंटे में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि थकावट हो रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब गाड़ी में मतलब जो पावर शुरू से देता है वही पावर देता रहेगा कंटिन्यू। अच्छा, कोई मतलब आपको इतना सा भी फर्क नहीं आएगा, बस चलाते रहो। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की बात की जाए तो मतलब सर्विस कैसी है? सर्विस यार देखो, सर्विस इसका मतलब 2000 के समथिंग पड़ेगा सर्विस पर, सर्विस के हिसाब से। और पार्ट्स अगर कोई फॉल्ट होता है तो वैसे बोलते हैं कि हिमालयन के पास अवेलेबल हो जाते हैं आराम से, ये बात सच है? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है यार, ये ज़्यादातर क्या है ना, ये गाड़ी टूरिंग बाइक है। कंपनी क्या कर रहा है, गाड़ी तो निकाल रहा है पर इसका कुछ पार्ट्स है जो सही तरीके से अवेलेबल नहीं होता, बहुत सब पार्ट्स हैं। ये जेन्युइन रिव्यू भाई इस बारे में कि और बस बाकी सो सब गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, आप ये बताओ कि आफ्टर मार्केट आपने गाड़ी में क्या क्या सामान लोड करवा रखा है? आफ्टर मैंने पहले सैडल गार्ड किया था, सैडल गार्ड है, उसके बाद क्रैश गार्ड है, उसके बाद ये चार्जर का ये 3 स्विच है, मोबाइल चार्जर के लिए, इसके पावर बैंक के लिए और अपना ये जैसे कैमरा वमरा ज़्यादा बैटरी नहीं होता। हाँ हाँ, टोटल 2 दिया हुआ है इसमें, मतलब 3 चार्जर कर सकते हैं। उसके बाद हम मैंने ये जाना कंपनी से ये लगाया था इसको, भाई जाना की क्वालिटी एकदम तगड़ा है यार ये, ठीक ना। और कुछ और है, ये निकल गाड़ी ये करवाया था, ये रॉयल फील्ड के सर्विस से, कंपनी फिटेड ही है? हाँ कंपनी फिटेड नहीं है, ये अलग से बाइक की है मैंने। ये आपने कंपनी का ही है? हाँ कंपनी का ही है, बाकी सब मैंने इसका और लगाया है। टायर भी मुझे ऐसा लग रहा है ये नया अभी चेंज करवाया है, टायर लगवाया है। हाँ आफ्टर मार्केट है, सामने का भी टायर चेंज करवाना है। अच्छा, और बस बाकी सब इस गाड़ी में यार बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, मज़ा आ जाएगा आपको चलाने। और सबसे बड़ी बात है कि भाई गाड़ी के रिव्यू देखो, पीछे हमारे अंकल आए हैं बस रोडवेज बस से उतर के आए हैं और गाड़ी को देखने लग गए हैं कि गाड़ी कैसी थी। भाई ये गाड़ी आई कैचिंग है और ये आई कैचिंग गाड़ी है और इसमें वाकई में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एक सिनेमेटिक्स वाला लुक दिखाता हूँ जिसमें आप देखोगे तो इसका विंडशील्ड, ये भाई का चैनल है, इस पर जाके भी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। और बाकी देखो लाइट्स पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, गाड़ी बहुत ही अच्छे से बना रखी है भैया ने और नीट एंड क्लीन रखी हुई है। बाकी और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, उनमें भी रिव्यू होगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एक जेन्युइन। तो गाइस अभी इस बाइक को लेके चलते हैं और थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई में कितना कंफर्टेबल है। हालांकि मेरा ये सेकंड टाइम है, ऑफ काफ़ी लोडेड है तो चला के देखते हैं कितना कम्फर्ट आता है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और बाकी मज़े लेते हैं। न्यूट्रल में है, तो अभी से लेके चलते हैं और टेस्ट राइड करते हैं कितना है। बाकी ये कुछ का कंसोल आ रहा है और उसके बाद चेक करते हैं कितना भागती है, कितना टॉप स्पीड है, पर मैं भगाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक कंफर्ट जोन के हिसाब से चला के देखूंगा, बाकी रोड अपीयरेंस भी देखूंगा। स्मूथनेस की बात की जाए तो वो भी चेक कर लूँगा, बट गाड़ी वैसे आके देखी जाए तो यार काफ़ी कम्फर्टेबल बाइक है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है और एक फील भी देती है कि हाँ भाई आप एक राइडर हो। इसकी एक ब्रॉडनेस है वो भी आपको एक अच्छा लुक दे रही है, विंडशील्ड है,
जिससे आपको विंड ब्लास्ट नहीं आएगा अगर मोटो व्लॉगिंग या कुछ भी करते हो, राइड एंड रिव्यू एंड ऑल दैट। पर परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड दे रखा है, मतलब हिमालय ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। और इसकी एक 500 सीसी में भी एक नई लॉन्च होने वाली है या फिर हो गई है, आई डोंट नो, जब तक ये व्लॉग आ रहा होगा तब तक हो गई होगी। बाकी ओवरऑल देखी जाए तो स्टेबल बहुत है गाड़ी, फ्यूल इंडिकेशन मिलती है, न्यूट्रल स्विच दिखता है, नेविगेशन स्विच भी अलाउड कर दिया है, तो काफ़ी कुछ है इसमें गाड़ी में। तो कंफर्ट की बात की जाए तो फुल कंफर्ट है, 5-speed गियर बॉक्स मिलता है इसमें। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 80-100 ही जाएगी, उससे ऊपर जा सकती है पर उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रेकिंग्स भी अच्छी हैं इसकी, मतलब अगर डोमिनार पे जा रहे हो उससे बढ़िया इस पर चले जाओ। ये बाइक का रिएक्शन आया तगड़ा, गाड़ी में बात तो है भाई, कुछ ना कुछ तो बात है। बाकी अभी यहाँ से राइट टर्न लेते हैं, कट कहाँ है भाई, ये रहा कट। अब मैं कॉर्निंग करके देखूँगा, क्या कॉर्निंग करना इजी है या फिर टफ पड़ता है। कॉर्निंग कर ली और बहुत ही आराम से कंफर्ट तरीके से मुड़ गई, पिकअप भी बहुत अच्छा था, जानदार पिकअप है। गाड़ी में बहुत पावर है भाई, और जैसा देख रहे हो ना कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। मतलब ये गाड़ी भगाने के लिए नहीं, आप जब लॉन्ग राइड या टूर करते हो उनके लिए बनी है, और गाड़ी में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है और आपको पावर फील भी होती है। कम्फर्ट के मामले में कोई टक्कर नहीं है इसकी भाई, ऐसे ही हर कोई नहीं चला, आप आराम से 2600, 2700, 4000, 5000 राइड कर सकते हो। तो मेरे लिए तो एक नंबर है, मैं टेस्ट राइड ले भी रहा हूँ कि अपनी कोई नई गाड़ी आएगी तो चेक करते हैं, बट गाड़ी में भाई अल्टीमेट मज़ा है। देख रहे हो स्टेबिलिटी, देखो हैंडल बिल्कुल भी लैक नहीं कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप जा सकते हो इस पर। यू हैव टू गो एंड बाय दिस, दिवाली का टाइम आ रहा है और बहुत से लोग दिवाली पर गाड़ी ख़रीदते भी हैं, तो ये उनके लिए मस्ट रिकमेंडेड है कि रॉयल एनफील्ड में एक अच्छी चीज़ ले लोगे तो और भी फ़ायदा है आपका। तो जाइए चेक करिए, सब कुछ मिलेगा आपको, मतलब ओवरऑल टॉप नॉच पैकेज है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जाके ले सकते हो। स्टेबिलिटी देखो बिल्कुल स्टेबल है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, सस्पेंशन ट्रैवल बहुत अच्छा है, आप ऑफ रोड भी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो ये रिकमेंडेड है। बाकी आपकी चॉइस, आपका पैसा, आप जहाँ चाहो वहाँ इन्वेस्ट करो, बट रॉयल एनफील्ड की बाइक्स काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट में, अच्छा पैसे में और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, पावर तो है ही इसमें, पावर में तो नंबर वन है, तो जा सकते हो ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं एक और व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। बाकी एक बार रोक के साइड में लगा देते हैं और गाड़ी की क्वालिटी भी सॉलिड है भाई, भाई ने सीट कवर भी मॉडिफाई करा रखा है, देख सकते हो ABS है, ड्यूल चैनल ABS है आई थिंक सो, मेरे को कंफर्म नहीं मालूम, टेक स्पेसिफिकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। और लाइट है काफ़ी, इंजन ब्रॉड भी है, लगने में लगती है कि एकदम ब्रॉड गाड़ी है और टफ है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके गार्ड्स लीवर गार्ड्स बोलते हैं, पैडल स्टेड पैडल बोलते हैं जिनको पैडल्स हैं, वो भी काफ़ी ड्यूरेबल बनाए गए हैं और भाई ने काम भी बहुत अच्छा सा करा रखा है, तो आप जा सकते हो, रिकमेंडेड है, खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।